हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में। तीन ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा, जिसको आपको देख करके अलर्ट रहना चाहिए इन तीनों पॉइंट्स पे, जिससे मार्केट का सेंटिमेंट चेंज भी हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आज के मार्केट का सेंटिमेंट आपको एक बुल रन देखने को मिल सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिगर है, कोरोना वायरस के जो केसेज हैं गाइस, आपको थोड़ा सुन करके, आप इस चीज़ को सुन सुन करके परेशान हो गए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना होगा। ये एक थोड़ा सा आपको नेगेटिव ट्रिगर मतलब देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेली चेंजेस में आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस नहीं, बल्कि मैं आपसे बताना चाहूँगा 28 अप्रैल के डेटा की बात करें तो 3,79,308 केसेस, यानी लगभग 3,80,000 केसेस हमें ऑलमोस्ट देखने को मिले। आप ये देख सकते हैं नंबर बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ़ टेस्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 27 अप्रैल 2021 को 1.6 मिलियन, यानी 16,52,263 टोटल टेस्ट किए गए। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें तो 18.4 मिलियन, यानी 1,84,00,000 समथिंग, जिसमें से रिकवरी है 1,51,00,000 की और 2,05,000 लोगों की डेथ है। ये वैक्सीनेशन का ग्राफ है, आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2021 को एटलीस्ट वन डोज दिए जाने वालों की जो संख्या है, आप ये देख सकते हैं 121.2 मिलियन, यानी आप देखें तो 12,12,63,287, और फुली वैक्सीनेटेड की बात करें तो 23.6 मिलियन, यानी 2,36,15,946। परसेंटेज में देखें तो वन डोज वालों को, जो टोटल ऐसे लोग जितने लोगों को वन डोज लग चुकी है 8.9% है, और जिनको फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है ऐसे लोग 1.7% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में। तो ये तो रहा पहला ट्रिगर जिसको आपको ध्यान में देना है। ये ट्रिगर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव ट्रिगर है, ये मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा। लेकिन दो और ट्रिगर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मार्केट डोमिनेंट हो सकता है बुल रन के लिए। गाइस, अपडेट नंबर टू या ट्रिगर नंबर टू की बात करें तो US ट्रेजरी बॉन्ड की यहाँ बात करने जा रहा हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ा सा हमें राइज देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा राइज नहीं है। मार्केट के साथ साथ वो गिरावट भी आगे शो कर सकता है, क्योंकि अभी कुछ घंटे की मार्केट बची हुई है यूएस के अंदर, राइट। मैं यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 3 बेसिस पॉइंट से इसके अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिली, 1.65% पे पहुँच गया। 1.65% से अगर लुढ़क करके नीचे आता है तो मार्केट के लिए एक अच्छी बात होगी, वैसे चांसेस है कि लुढ़के, क्योंकि यहाँ पे जो राइस देखने को मिला है उसके पीछे खबर ये बताई जा रही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है जीडीपी का, मतलब यूएस के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जीडीपी का जो डेटा है उसके अंदर हमें बिग जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें ट्रेजरी बॉन्ड में 3 बेसिस पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ये मेंटेन करके नीचे भी जा सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट जो अपडेट है, नेक्स्ट ट्रिगर बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट ट्रिगर ये है गाइस कि आप देख सकते हैं यूएस के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं, लगभग जैसे कि S&P 500, नैसडैक हो गया, इसके अलावा डाउ जोन्स हो गया, इन सभी के अंदर आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। आज मतलब मैं बात कर रहा हूँ कल की, आज 30 अप्रैल है, मैं बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल की। आप देख सकते हैं मैं रात के टाइम में ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आप लोगों को दिन में, आप सुबह देख रहे हैं, तो मैं आज अभी भी 1 घंटे बचा हुआ है यूएस मार्केट के ख़त्म होने के लिए। तो अभी अगर आप देखें तो इन सभी में तेज़ी के पीछे का कारण ये बता रहा है कि जो अर्निंग का डेटा रिलीज़ हुआ है यूएस के अंदर, जो टॉप कंपनीज़ हैं उन सभी के अर्निंग की वजह से बूस्ट हमें देखने को मिला है। आप ये देख सकते हैं S&P 500, नैसडैक इंडेक्स, सभी के सभी एक रिकॉर्ड बना रहे हैं,
ऑन स्टेलर अर्निंग्स फ्रॉम एप्पल एंड फेसबुक पावर्ड ए रैली इन टेक स्टॉक्स, राइट। मतलब इनके अर्निंग के डेटा की वजह से इन सभी में एक हमें बूम देखने को मिला है। एप्पल इंक की बात करें तो उसमें 1% का गेन देखने को मिला। उन्होंने अपने सेल्स और प्रॉफिट या डेटा को पोस्ट किया, जिसकी वजह से जो कि एक जो एस्टिमेटेड डेटा था उससे कहीं ज़्यादा है। फेसबुक की बात करें तो 6.6% की जंप हमें, इससे ज़्यादा ही कहीं जंप हमें देखने को मिली है अकेले फेसबुक की बात करें तो, राइट। आप ज़रा इसको मैं आपको ग्राफ से दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं नैस्डैक कंपोजिट का ग्राफ है, आप देख सकते हैं मार्केट को एंड होने में अभी 1 घंटे बचे हैं, तो अभी भी ये एक ऊपर के लेवल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ S&P 500 की बात करें तो 0.68% की तेजी के साथ अभी भी इसमें 1 घंटे टाइम बचा हुआ है और ये भी ऊपर की तरफ हेड करने की कोशिश कर रहा है। ये डॉ जोन्स को देख लीजिए, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसके अंदर भी 0.64% की तेजी देखने को मिल रही है और ये भी एक रिकॉर्ड हाई बना रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी हमें 1 घंटे का मार्केट पूरा ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए बचा हुआ है, राइट। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पहला ये है कोरोना वायरस के केसेस को आपको ट्रैक करते रहना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक नेगेटिव ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर है US ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर के। तीसरा ट्रिगर है US के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं, इन सभी के अंदर हमें एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे की खबर ये है कि उनके टॉप मोस्ट कंपनीज़ के अर्निंग्स और सेल्स का डेटा रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमें उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज इनके इंडेक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइज आप लोगों को शॉर्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, FIIs और DIIs के पैटर्न को भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए क्योंकि उनके पैटर्न को अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो शायद आप मतलब सिचुएशन मौका को खो सकते हैं। क्योंकि देखिए FIIs और DIIs किस लेवल्स पे सेल कर रहे हैं, किस लेवल पे बाई कर रहे हैं, ये आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। FIIs अगर सेल कर रहे हैं तो फिर DIIs बाइंग कर रहे होंगे, DIIs बाइंग कर रहे होंगे तो FIIs सेल कर रहे होंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों अगर बाइंग करते हैं तो मार्केट बहुत ही तेज़ ऊपर चला जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों अगर सेल करते हैं तो मार्केट के अंदर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके चांसेस कम है आज के दिन के लिए। लेकिन आज के दिन आपको हो सकता है बुल रन देखने को मिले या फिर एक बाउंड रेंज बाउंड में आपको रेंज बाउंड में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी तो आपको एक रेंज बाउंड में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर आपको बुल रन भी देखने को मिल सकता है ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से। तो ये छोटी सी वीडियो के जरिए आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए, अगर आप चाहें तो करा सकते हैं। दिस इज़ ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।